हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं साइकस स्टेम की, जिम्नोस्पर्म के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। साइकस स्टेम विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ ये टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट में, पेपर थर्ड में लगता है। हमने अभी तक रेकिस और रूट के बारे में बात की, आज हम स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली अगर हम देखें तो साइकस का जो स्टेम है ज़्यादा लंबा नहीं होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 4 से 5 फीट मैक्सिमम। इट मीन्स छोटा पौधा है। ऊपर की ओर क्राउन रूप में लीव्स निकली होती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे जैसे पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे जो लीव्स है वो झड़ जाती है। तो जो लीव झड़ती है या हट जाती है वो यहाँ पर चिन्ह छोड़ जाती हैं स्टेम के ऊपर। तो स्टेम पर रफ अपीरियंस से नज़र आती है जो लगभग ट्रायंगुलर होती है। इट मीन्स लीव बेस जो है वो ट्रायंगुलर है, हम कह सकते हैं। ये जो चिन्ह है उसकी वजह से पूरा तना खुरद रहा है। इन चिन्हों को हम लीफ स्केयर कहते हैं। यह है लीफ स्केयर, छत चिन्ह या पर्ण चिन्ह, जो भी आप कहना चाहें। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्केयर जो एपिडर्मिस है वो कॉम्पैक्ट नहीं होती है। ये कहें अगर हम इसका टीएस लें, टीएस ऑफ स्टेम लेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सपोज दैट ये स्टेम का टीएस है तो हमें स्टेम जो है वो रफ अपीरेंसेस शो करेगा, जगह जगह से कट शो करेगा। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, उसका कारण है लीफ स्केयर की प्रेजेंस। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। थोड़ा दूसरी बात कि ये इस प्रकार के आवास का पौधा है जहाँ पर एनवायरनमेंट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इसीलिए इसके अंदर जो टिश्यू है वो ग्राउंड टिश्यू की फॉर्म में होता है। कॉर्टेक्स और स्टिलर रीजन कुछ ज़्यादा विभेदित नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉर्टेक्स है और वैस्कुलर बंडल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल बेसिकली डाइकोट से सिमिलरिटी शो करते हैं, डाइकोट से समानता दर्शाते हैं। इनकी संख्या 4 से 5, 6 तक हो सकती है। और आपको यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के मार्क भी दिखेंगे इस प्रकार के, इनको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। लीफ ट्रेस सपोज दैट कि ये तना है, अपन माने इसके अंदर ये वैस्कुलर बंडल हैं, इमेजिन दैट ये वाले, और यहाँ पर कोई पर्ण निर्मित हुई। तो इस पर्ण के अंदर वैस्कुलर बंडल होंगे ऑब्वियसली, सभी जानते हैं। तो ये कहाँ से आए? ये यहाँ से आए, एक टुकड़ा पर्ण में चला गया। जब एक टुकड़ा पर्ण में चला गया तो ऊपरी भाग का जो वैस्कुलर बंडल है उसमें क्या हो गया, एक गैप क्रिएट हो गया। ये गैप यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो जो टुकड़ा वहाँ गया उसी को हमने इस रूप में दिखाया है, इसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। आई बात समझ में? और अगर इस गैप की बात करते हैं, लीफ गैप कहलाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब चाहे वो ब्रांच में जाए चाहे वो लीफ में जाए, अकॉर्डिंग टू दिस इज कॉल्ड ट्रेस। अगर वो लीफ में गया है तो लीफ ट्रेस कोई भी एक भाग, और यदि ब्रांच में गया है तो ब्रांच ट्रेस। और ये हमें इस रूप में देखने को मिलेंगे। ये वैस्कुलर बंडल की कंडीशन है। अब हम इसको थोड़ा सा देखें कि इसमें वैस्कुलर बंडल की कैटेगरी क्या है, टाइप क्या है, किस प्रकार से अरेंज होते हैं, तो वो हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो एक बार दोबारा से इसकी ड्राइंग करते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट स्टेम जिसमें रफली प्रेजेंट
एपिडर्मिस, ये सबसे पहले बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की, क्योंकि वेस्कुलर बंडल डो नॉट सेपरेटेड बाय एनी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, यहाँ पर सब कुछ मिक्स है, ग्राउंड टिश्यू का भाग है, अलग ही कॉर्टेक्स कहलाता है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पर यहाँ है, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल इज जनरली 4 to 5, कंडीशन फिक्स है यहाँ पर, ये स्थिति है। और ये लीफ ट्रेस वाला मामला हमने बना लिया था अभी। यहाँ पर आपको कुछ सेल्स भी दिखेगी, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ये रेजिन सेल है जो कि इसके स्टेम की विशेषता है, इनको हम रेजिन डक्ट कहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कि आपको वेस्कुलर बंडल में कॉर्टेक्स की सराउंडिंग देखने को नहीं मिल रही है, ये लीफ ट्रेस है ही, लीफ ट्रेस लीफ में जाने की विषय है, नाम बता दिया था मैंने आपको। ब्रांच ट्रेस नहीं होगी क्योंकि इसमें ब्रांचिंग होती नहीं है, तो आप ब्रांच ट्रेस भूल जाइए। ये है एक सिंगल वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल की हम बात करें तो पहली बात तो ये समझें कि अगर वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से है जिसे 5 दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, तो इसको बोलते हैं पेंटार्क। पहला पॉइंट तो ये हो गया पेंटार्क। अगर 4 होते तो टेट्रार्क, 3 होते तो ट्राईआर्क, 5 ज़्यादा होते तो पोलियार्क। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, इट मीन्स ये क्या हो गए, पेंटार्क। अब एक वेस्कुलर बंडल को देखो, क्योंकि अगले वर्डिंग हमारे वहीं से आने वाले हैं। वेस्कुलर बंडल की स्थिति ऐसी है, ये इसका सेंटर भाग है, मतलब सेंटर केंद्र की ओर है, और ये पेरिफ्री है, परिधि इस प्रकार, और बीच में यहाँ पर कैम्बियम है, स्पष्ट कैम्बियम है। यहाँ पर मैं कैम्बियम के बारे में एक नोट बताऊंगा आपको सेकेंडरी ग्रोथ में, फिलहाल एक बार स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ये इसके अंदर जाइलम और ये फ्लोएम। मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉइंटेड सिरा होता है वो नया होता है, इसका मतलब प्रोटोजाइलम होता है और पीछे मेटाजाइलम होता है। इट इज़ क्लियर। अगर प्रोटोजाइलम की स्थिति केंद्र की ओर हो तो उसे हम एंडार्क कहते हैं, एंडार्क। और रटने की बात ही नहीं है, आप सीधा सीधा याद कर लीजिए कि जड़ों में एक्सार्च और तने में एंडार्क क्यों है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे एक नया कि इनकी व्यवस्था इस प्रकार क्यों होती है, तो एक सेपरेट वीडियो में हम सिर्फ वेस्कुलर बंडल के टाइप्स की बात करेंगे, तब समझेंगे, अभी आप समझ लीजिए। हो गया ये। अब कैम्बियम प्रेजेंट है, तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये खुला हुआ, इट मीन्स ओपन। जहाँ भी कैम्बियम होती है वहाँ पर वेस्कुलर बंडल का जो टाइप है वो खुले प्रकार का होता है, इसका मतलब वहाँ पर भविष्य में सेकेंडरी ग्रोथ होनी है, ये हम समझ सकते हैं। अब आप देखिए, 2 वेस्कुलर बंडल एक दूसरे के पास हैं तो इसका मतलब इनकी कंडीशन कैसी होगी, कोलेटरल प्लस संपार्श्वीय, एक दूसरे के पास। इट इज क्लियर। अगला, जो जाइलम और फ्लोएम है वो जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं को जॉइंट, ये क्या है, संयुक्त है। तो वेस्कुलर बंडल में आप देखिए एंडार्क कंडीशन है, ओपन टाइप है, कोलेटरल है, को जॉइंट है, ये है साइकस के वेस्कुलर बंडल की खास बातें। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो आप देख पा रहे हो कि जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पर कुछ विशेष सेल पाई जाती है, इन सेल्स की हम बात करते हैं, रेजिन सेल है, ये कुछ इस प्रकार की है ऐसी, इनके अंदर डबल लेयर है, बाहरी कॉम्पैक्ट लेयर और एक अंदर की ओर एक लेयर और, इस प्रकार का, तो ये है रेजिन डक्ट। रेजिन डक्ट लाइसोजीनस नेचर की होती है, इसका मतलब हो गया कि भविष्य में जैसे सपोज दैट स्टेम के चीरा लगा दिया हमने, कट लगा दिया, तो यहाँ पे आपको राल निकलने, रेजिन टपकने लग जाएगी।
तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब काट लगाते हैं, ये भाग जो है ये भाग डिजल हो जाता है और यहाँ पर रेजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रेजिन हमें प्राप्त होता है। रेजिन बहुत सारी औषधियों में और अन्य कार्य में काम आता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ विशेष और सेल भी हैं जो कि पदार्थों के हार्ड होने से बनती है, उन्हें हम टैनिन सेल कहेंगे, टैनिन सेल। और ये है रफ एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर है। ये पूरा जो कॉर्टेक्स है वो पैरेन्काइमेटस है, मृदुत्की है, मेनली भोजन का संचय करने में ये काम आता है। इम्पोर्टेंटली अगर हम देखें तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ हमें डाइकोट तने की संरचना बताता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि डाइकोट में हमें वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर बंडल के चारों ओर हमें पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस देखने को नहीं मिलती, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है साइगोस्टैम की सामान्य संरचना, सामान्य स्ट्रक्चर। अगर आपको सामान्य संरचना पूछे तो आपको इतना ही सफिशियंट रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।